जैसे कि आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन स्टार्ट। तो आज हम आते हैं आपको एक नई वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम आपको आज की वीडियो के अंदर ले चलते हैं। ये आप जैसे कि देख सकते हैं डोलन्स का फ्रिज है नॉर्मल साइज़ में। तो इसमें जो है कूलिंग की प्रॉब्लम आई है, तो आज हम आपको बताते हैं क्या वजूहत हो सकती है इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम में। तो ये अभी हम इसके ऊपर वाले खाने को ओपन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाला खाने को हमने ओपन कर लिया है। आप ये देख सकते हैं इसके सिर्फ इसके इतने हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से में जो है ना आइस आ रही है, मतलब इसने इतने में फिर भी कूलिंग कर रहा है, बाकी हिस्से में इसकी कूलिंग नहीं है। ये पीछे पूरा साफ पड़ा एरिया, ये आप पर भी ऐसे हाथ फेर पानी है सिर्फ, एक जो कूलिंग होती है वो चीज़ पीछे हिस्से में नहीं है। तो चलिए हम आपको अब इसका पीछे वाला हिस्सा भी दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा थर्मोस्टेट है फ्रिज का, और ये जो पॉइंट है ये 7 नंबर का पॉइंट है, मतलब आप इस पर कूलिंग अच्छी कूलिंग हो जाती है इस पर भी ना। अगर आपको ज़्यादा लगती है इस पॉइंट के ऊपर कूलिंग तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। और ये मैक्स का ऑप्शन है, मैक्स का ऑप्शन ज़्यादातर लोग यूँ यूज़ करते हैं जो नया फ्रिज लेते हैं। 2-3 घंटे अगर आप उसको खाली चलाते हैं तो आप पहले उसको मैक्स पे रख लें, मैक्स पे रख लें ताकि कूलिंग अच्छी हो जाए। उसके बाद आप अपनी चीज़ें वहाँ रख फ्रिज में रख के आप इसको 7 पे 6 पे 5 पे जितने पे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा फ्रिज ये देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी है, कूलिंग नहीं है, वो भी बिल्कुल गर्म नॉर्मल टाइप का पानी, कोई ठंडा भी नहीं है। ये पीछे की प्लेट पूरी हरी किल किसी पर ठंडी हो रही है। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें कहाँ से क्या मसला है, इसमें गैस लीकेज भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हमने ये थोड़ा सा मक्के में सरफ वाला पानी बनाया है, और ये हमारे ड्राई है। तो यहाँ पे हमें डाउट था गैस लीकेज का, तो इसको हमने थोड़ा रेग मार के भी अच्छे घिसा है। तो अब आपको इसका हम दिखाते हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे आप लोगों को बबल बनते हुए दिख रहे होंगे। तो हमारी गैस फ्रिज की यहाँ से लीकेज हुई है, आप ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा गैस लीकेज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको जब हम इसकी लीकेज को रिपेयर करें उस वक्त भी वीडियो बनाएं, तो ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह से इस फ्रिज को आपको रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसकी रिपेयर की मुकम्मल वीडियो दिखा सकें और गैस चार्जिंग की भी। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।